White Swan, White Swan, line is clear. Over. वो शख्स अभी तक नहीं पहुंचा. ऑपरेशन का मैसेज पहुंच चुका है और तुम लोगों का ये कॉन्टेक्ट बहुत पुअर है. वो भी पहुंच जाएगा बॉस. बहुत देर हो चुकी है. वो सारा मंसूबा हाथ में मिल जाएगा. वो आ गया बॉस. ये कहां ले आए तुम? गुड मॉर्निंग. मैंने किया क्या जी? ये आपके लोग छिकरे की तरह मेरी आंखें बांध के जीप में डाल के मुझे यहाँ ले आए. तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा मिस्टर नन्ना. हाँ, मेरा नाम भी जानती है. सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, हाँ, तुम्हारा सारा बैकग्राउंड जानते हैं. इस फाइल में तुम्हारी जिंदगी की एक एक तफसील दर्ज है. मगर जी, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है आपा जी? मैंने कोई आपका बच्चा उठा लिया जो आपने मुझे उठवा लिया? बकवास नहीं करो. एक दफा हमारे ग्रुप में शामिल होने की देर है. क्योंकि आप मुझे अपने ग्रुप में शामिल क्यों करना चाहती? इसलिए शामिल करना चाहती हूँ ताकि तुम दो वक्त की रोटी कमा सको. हाँ. और ये तुम दरबदर की जो ठोकरें खाते हो ना, ये बंद करो. बस जो किस्मत में लिखा होता है वो तो ठोकरें खानी ही होती. मगर आप मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रही? आप मेरी फूफी लगती है. नहीं, इसलिए कर रही हूँ हमदर्दी ताकि तुम ईमानदारी से दो वक्त की रोटी खा सको. क्या बात कर रही है जी, दो वक्त की रोटी? दो वक्त की रोटी आदमी कैसे खा सकता है? ईमानदारी से खा सकता है. मैं तो हमेशा ईमानदारी की है जी, मगर ये ईमानदारी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया. हमेशा इस ईमानदारी की वजह से मुझे मार पड़ी है. और इतनी मार पड़ी है जी कि मेरी तो जोड़ जोड़ हिल गया. अब तो दाढ़ें भी हिलने लगी. अभी चंद दिनों का आपको वाक्य सुनाऊं जी. मैं और अलन दोनों एक होटल में चाय पीने के लिए गए. अलन बड़ा शरारती आदमी. उसने कुर्सी और मेज खींच के तो बेकरी वाली जो अलमारी थी ना, जिसमें बिस्कुट, पेस्ट्री, केक और वो क्रीम रोल रखे हुए थे, उसके करीब कर ली. अब जी पता नहीं उसने किस तरीके से उसका शीशा तोड़ा है. बस ये एक ही सूटे में क्रीम रोल की तमाम क्रीम जो थी ना, वो चूस गया. पता नहीं क्या किया जी. मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से जाके होटल के मालिक को बता दिया. इतना मोटा होटल का मालिक, अलन आगे आगे, पीछे पीछे वो मोटा मालिक. वो यूं लग रहा था जैसे अलन के पीछे कोई रेड़ा जा रहा है. थोड़ी देर के बाद वो वापस आया. अलन तो पकड़ा नहीं गया. बस जी उसने वापस आते ही मुझे बालों से पकड़, नहीं बालों से, बाल नहीं, पता नहीं, मुझे पकड़ के इतना मारा है जी, इतना मारा है कि पूछे नहीं बस. और मैं जब घर पहुंचाऊं तो अलन ने जूता उतार लिया. मत लो उस मर्दूद अलन का नाम मेरे सामने. क्यों 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 क्यों? वो बहुत बेईमान आदमी है. उसने आपके साथ भी कोई चक्कर किया? इसलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है. अच्छा, उसे नहीं. देखिए ना जी, वैसे अलन के बगैर कोई काम करने में मुझे मजा नहीं आता जी. तुम उसे अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? देखो ना, ये अच्छा तो नहीं लगता ना, इस तरह तुम्हें हर जगह वो पिटवाता फिरते. नहीं नहीं, वो नहीं मुझे पिटवाता बिल्कुल, ये मैं कसम दे सकता हूँ. बस ये तो मेरी ईमानदारी है जो मुझे पिटवाती है. और मेरे साथ मुसीबत ये है जी कि ना मैं ईमानदारी छोड़ सकता हूँ और ना उस बेईमान अलन को छोड़ सकता हूँ. अगर तुम ईमानदारी से हमारा काम करोगे तो तुम्हें उसका मुआवजा मिलेगा. जी देखिए जी, आप खुद अपनी ईमानदारी से बताएं कि ईमानदारी से कोई काम होता है? होता है. तुम्हें उसका 5,000 रुपए महीना मिलेगा. 5,000 रुपए महीना? नहीं, ये क्या हो गया था तुम्हें एकदम? आपने एकदम इतनी बड़ी रकम का नाम मेरे सामने ले दिया. वो तो शुक्र करें मैं सिर्फ बेहोश ही हुआ हूँ. अगर आपने 4-8 आने ऊपर कह दिए होते तो मेरा तो दिल पाट जाना था, मैंने तो मर जाना था. ये काम जो तुम्हें दिया जा रहा है उसके लिए ये 5,000 रुपए बिल्कुल मुनासिब है, ज्यादा नहीं है. मगर जी कुछ काम का पता तो चले, क्या काम है जिसके लिए मुझे 5,000 रुपए दिया जा रहा है? राजदारी, ईमानदारी, हाँ? और जवान मर्दी, ये तीनों चीजें तो, ये सिफत बहुत कम लोगों में होती है, इसीलिए हमने तुम्हें चुना है. जी, मगर काम तो बताया यार, किस किस्म की औरत रखी हुई है तुमने? को बात ही नहीं बता रही. शट अप. माफ करना, अभी तुम्हें मालूम हो जाता है. टाइगर. यस बॉस. बैग ला के दो. ये टाइगर आपने चिड़िया घर से पकड़ा? इनको दो ये बैग. इनसे पहले मिलो, ये है टाइगर. अच्छा अच्छा. हाय हाय हाय. ये किस किस्म का टाइगर है? ये बागड़ बिल्ला है. ये नाक के नीचे इसने मूंछों का बगीचा लगाया हुआ. आप ये फजूल बातें मत करें. अच्छा जी, ऑलराइट. और गौर से सुने जो मैं आपको कह रही हूँ. जी सुनाएं जी. ये बैग आप शाहराह नंबर 114 पर ले जाएं. हाँ. ठीक 12 बजे.
ठीक 12 बजे, और इसके अंदर जो एटम बम रखा हुआ वो ठीक 12 बजे फट जाएगा, और उसके साथ ही मैं फट जाऊंगा और मर जाऊंगा, और मेरे साथ इसका राज भी दफन हो जाएगा। तुम ये क्या कह रहे हो? ना मुझे आखिर पता तो चले कि इसके अंदर क्या चीज है जिसका टाइम के साथ इतना ताल्लुक है। इस बैग के अंदर 180,000 रुपए हैं। और फिर आपने इतनी रकम का मुझे एकदम बता दिया। ठीक, मुझे ये तो बताएं, क्या रुपए की कीमत इतनी गिर गई है कि आप इतनी बड़ी रकम मुझे इस तरह पकड़ा रही हैं जैसे सिपाही किसी साइकिल वाले का चालान काट के पकड़ा देता है? ये बैग तुम शाहरा नंबर 14 पर एक होटल में ले जाओगे। अच्छा, वहां म्यूजिक लगा होगा, वहां मैं एक प्याली चाय की भी पीऊंगा। हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। वहां पर तुम्हें एक शख्स मिलेगा। एक शख्स जो पिस्तौल मुझे दिखाएगा और ये तमाम चीजें और रुपए में छीन के ले जाएगा, और हवाई फायर डन युवर करता हुआ दहशत ज्यादा करता हुआ निकल जाएगा। नहीं, ये भी नहीं। नहीं, हाँ। वो शख्स तुम्हारे पास आएगा। हाँ। और तुम्हें कहेगा क्या? ABC। अच्छा, तो मैं उसे कहूंगा कितने गई सी? गॉड सेक, ये नहीं कहूंगा। नहीं, अच्छा, वो तुम्हें कहेगा ABC। और अपना ही समझो। शुक्रिया मेहरबानी, मैं तो अपना ही समझाऊं। शट अप। आपकी तबीयत कैसी है? और सुनाए, कैसी तबीयत, कैसी मतलब? चुप कर जाओ तुम। अच्छा जी, वो शख्स जब तुम्हें ये कहेगा, हाँ, तो तुम उसे ये बैग पकड़ा देना। अच्छा, ये मैंने पकड़ा देना। हाँ। अच्छा, और इस बैग के बदले में वो तुम्हें एक और बैग देगा। वो मुझे बैग देगा? हाँ। और वो बैग लेकर लेकर तुम फौरन यहाँ वापस। मैंने यहाँ पहुंच जाना। पहुंच जाना, वेरी गुड। लेकिन एक बात है जी, ये तोहफों का तबादला तो रिश्वत के सिलसिले में होता है, ये बैगों का तबादला किस सिलसिले में हो रहा है? टाइगर। यस बॉस। वो पिस्तौल लाओ। वो पिस्तौल लाओ। इन्हें दे दो। ये मैं क्या करूँ जी? ये ऑटोमेटिक पिस्तौल है। अच्छा अच्छा, इसमें से पानी निकलता है? नहीं, इसमें से बहुत खामोशी से गोली निकलती है। खामोशी से गोली? हाँ, निकलती पता है? नहीं चलता किसी को। ओ, मैं मर गया। ये ना हो गई, इसको मैंने नेफे में लगाया हो और इसमें से खामोशी से गोली निकले और मेरे पेट से निकल के इधर से निकल जाए तो पेट में मोरी हो जाए, सारा खाया पिया बाहर आ जाए। बस अब चुप भी कर जाओ ना। अच्छा जी। हाँ, अपना काम जाके करो। अच्छा, हाँ ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑन योर मिशन। यस, यू कैन गो नाउ। थैंक यू वेरी मच। गेट आउट। यस यस, जाओ। अच्छा, जाने को कह रही तो आप जाने के लिए कहें? हेलो, हेलो, यस। बोस का कारोबार है। और तुम्हारा ये देखो बैग, इसमें 180,000 रुपया है। नहीं, 180 कहां से आ गया तुम्हारे पास? तुम तो ऐसे ही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसको खोल के देखो। नहीं, यकीन है, होगा होगा, आप कह रहे हैं तो होगा। इधर आओ, एक प्याली चाय
मीठा कम दूध ज्यादा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, आप जो मर्जी खाएं। फिर सुनो, फिर तुम पेस्ट्री, केक, यस, बिस्कुट, ओके, और जो कुछ भी है लेके फौरन आ जाओ। अभी लेके आता हूँ, और भी कोई चीज है तो कह दें। बस ये ले, सब खा जाए, सब खा जाए। वेरी गुड। भाई जान, अगर इजाजत हो तो ये कुर्सी ले लूं। देख नहीं रहे हो किस कुर्सी पर मेरा बैग लेटा हुआ है? तो इस बैग को उठा के इस कुर्सी पे लिटा दो। तुम नहीं जानते कि इस बैग में 180,000 रुपया है, और मैं इस बैग को अपनी आंखों के सामने रख देता हूं। कौन किसी और जगह चले जाओ। आप इधर आ जाइए, ये कुर्सी खाली। शुक्रिया। मैं इतना कुछ खा रहा हूं, पता नहीं अंदर ने खाया कि नहीं खाया। अपना ही समझो ना, जो अपना ही समझ के खा रहा हूं, किसी के बाप का माल नहीं है। सीक्रेट मिशन, सीक्रेट नहीं है मेरे पास। बड़े अफसोस की बात है, ये सूट शर्ट पहना होगा, सिगरेट मांग के पीते हो। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, किथे गई थी? तो ये तो मुझे लड़की ने कहा था तुम बैग लाए। उठाओ। यस, अगर फौरी रब्ता कायम करना चाहते हो क्या तो होटल शिंगशोंग में मिलो। क्या चीज? होटल शिंगशोंग। क्या चीज? अबे होटल शिंगशोंग। अरे भाई, ये तुमने खबर नहीं पढ़ी? कौन सी खबर? स्टेडियम के एक पेट्रोल पंप पे एक डाकू ने 55,000 रुपए लूट लिए और फायर करता हुआ फरार हो गया। ऐसी खबरें तो अब रोज ही आ रही हैं। आजकल तो कैश पास रखना भी मुसीबत है। क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है। मैं बैग सुबह से लेकर गली गली कूचे कूचे घूम रहा हूं। किसी माई के लाल, किसी माई के नीले, किसी माई के पीले की ये जरूरत नहीं हुई कि वो मुझसे बैग छीन सके। यस, ये हाँ बता दिया, ये बैग मेरे हवाले कर दो। क्योंकि आपके हवाले क्यों कर दो? आपने कोई एबीसी कहा है? फौरन हमारे हवाले कर दो। इधर भी है कोई? किस सिलसिले में जी? मैं देखे नहीं, ये किसी की अमानत है? मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली से भून देंगे। ना, भूनना ही है तो जाके होटल में हंडिया भूनी है। ये आप क्या भूनने आ गए हैं? बैग पकड़ो। नहीं नहीं, मेरी बात सुने जी, बात तो सुने जी। वो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मेरी तो 5,000 रुपए तनख्वाह है, वो पूरा कैसे होगा? क्या मजाक है? क्या मजाक है? तुम तो कह रहे थे इसमें 180,000 रुपया है। वेयर इज द मनी? और इसमें नहीं था, वो तो दूसरा बैग था जो वो मुझे एबीसी कह के ले गया। तो ले गया? तुम्हें ये दे गया? ओए, ये क्या? ओहो, इसमें तो रद्दी कागज और छिलके एंड बनाना। बनाना? ये बनाना मेरे नाम की होगी। ओहो बदतमीज, केला। केला? अच्छा, ओए ओए, सिर्फ केला? मैं तो लुट गया जी, बर्बाद हो गया मैं। उसने तुम्हें कोई अता पता नहीं दिया? अता नहीं दिया जी, सिर्फ पता दिया। भुलिया क्या था उसका? भुलिया पे इतनी सी दाढ़ी थी और आप जैसी मकरूह शक्ल थी उसकी, ऐनक लगाई हुई थी और हुक्की चूस रहा था। हुक्की कहीं मिलने को कहा था? मिलने पर? हाँ, होटल में। किस होटल में? होटल में किसमें? किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग? क्या कॉन्ग? कॉन्ग तो कोई नहीं, होटल शिंगशांग तो नहीं कहा? ओह यस, शिंगशांग, मुझे पता है। हाँ, मेरे पास यही कहा होगा। लेट अस मूव, यही कहा होगा। हाँ जी, मैं कहता हूँ जल्दी चलाओ। नहीं जी, नहीं, मैं नहीं जा सकता। देखिए ना जी, मैंने इनकी पेस्ट्रियां वगैरह सारा कुछ खाया, तो मैंने तो इनको पैसे देने हैं अभी। जाने दे भाई, रोता क्यों है? मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। नहीं मैं, देखिए आप विलन भाईजान, आप ऐसा करें, इनको पैसे दे दें, बैग मेरा मिल जाएगा ना, तो फिर मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। बकवास ना करो, चलो मेरे साथ। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग मुझे। चलो इसको बांध दो, करें सारी चीजें। चलो चलो।
क्या? What nonsense? ये वही. That is the man behind newspaper. रवै. वो मेरा बैग कहाँ है? जो आपने मुझसे लिया था जिसमें 180,000 रुपया था, ये गंदा सा बैग अपना पकड़ो और वो मुझे मेरा दे दो. मुझे जो कहा गया था वो मैंने किया. सीधी तरह बैग हवाले कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा. अबे जा घर चला जा, अभी भी वक्त है. पुलिस इतना मारेगी चेहरा बिगड़ जाएगा तेरा. जल्दी करो, वेयर इज द बैग? और जा काम कर अपना. नहीं तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. काम क्या कर, मैं तो छोड़ूंगा. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाय क्या कर रहा है? ये क्या किया? ये तो अल्लन है. ओए अल्लन, ये तो अल्लन है. ये अर्जुन देख, मेरी बात सुन. वो तो सारे पैसे उसमें थे, 180,000 रुपया वो वापस कर. मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे 5,000 रुपए की नौकरी है. बेटे मेरे पास वो बैग नहीं है. तो किसके पास है? बैग मेरे पास है. वो ले. इधर ये रहा बैग. ये ले. यही बैग चाहिए था आपको? ये आप दोनों मुझे मिलकर फंसवा रहे थे. मुझे फंसवा रहे थे. ये हमें एक अरसे से इन मुजरिमों की तलाश थी, क्योंकि ये कमजोर और निहत्ते लोगों से पेट्रोल पंपों और शॉपिंग सेंटर्स में से रुपए छीन कर भाग जाते. लाख दिलान तुम्हारा. और आज तुम्हारी मदद से ये हमारे हाथ आ गए. मेरी मदद से? जी हाँ, आपने जिस तरह हमारी राजदारी की है और कोई आदमी नहीं कर सकता था. हमें मालूम था कि अगर आपको ये राज बता दिया गया तो आप पूरे शहर में इसका ढंढोरा पीटते फिरेंगे. ये सिर्फ आप कर सकते थे. मगर ये देखेंगे जी, ये अल्लन का क्या चक्कर है? इनको हमने पहले ही अपने गिरोह में शामिल कर लिया था. कौन से गिरोह में? अबे पुलिस के गिरोह में. इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, ले जाओ इनको. अल्लन बोलना नहीं. लाइए जी वो मेरे 5,000. काहे के 5,000? 5,000 तो हम आपको राजदारी के लिए दे रहे थे. हाँ? और आपने राजदारी तो रखी नहीं. आप तो कोई राज भी नहीं रख सकते. अच्छा जी, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन. यार नाराज ना होना, ये मुझे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई. कोई बात नहीं बेटे, गलती इंसान से ही हुआ करती है. ये तुम कह रहे हो? यार कमाल है अलन, ये इस बात पे तो तुम मुझे मारते. आज तुमने कुछ कहा ही नहीं मुझे. बस यार मार मार के तुझे मैं थक गया हूँ. थक गए हो? तो फिर मैं तुझे मारू. तू मारेगा? अच्छा चल मार. नहीं अलन नहीं. क्या हो? नहीं अलन, तेरा इतना सा छोटा सा तो मुंह है, तुझे चोट लग जाएगी. तेरा बड़ा सा मुंह है ना, है ना? तो मैं लगाता हूँ.